हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं हूं नबील। एप्पल ने पब्लिक स्टेबल वर्जन यानी कि स्टेबल रिलीज जो है वो पुश कर दिया है iOS 17.3.1 का आपके सभी के आईफोन के लिए। बहुत ही छोटा सा अपडेट है, सिर्फ 300 MB का अपडेट है। ये अपडेट क्यों आया, इसलिए आया और मैं रात में वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, इसकी मैं हमेशा रात में आपको बना के दिखाता हूं वीडियो जो कि स्टेबल वर्जन होता है उसकी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह बना के आपको बता देता हूं। तो उसके लिए थोड़ा मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको कि आपने वेट किया, लेकिन आई होप कि आपने किसी और वीडियो नहीं देखी होगी, और देखी भी होगी तो यहाँ पे आपको मजा जरूर आएगा हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज के बारे में। तो अपडेट का साइज जो है वो आया है 298.2 MB का मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स पे। आपके पास जो भी फोन है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, या फिर अगर आप कोई और iOS वर्जन पे हो तो उसके हिसाब से iOS वर्जन के हिसाब से जो है इसका अपडेट का साइज आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज 300 MB के आसपास का आपको अपडेट देखने मिलेगा, और ये बहुत ही छोटा अपडेट है और इस अपडेट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन क्या कुछ है वो देख लीजिए आप। अपडेट करने से पहले 17.3 था iOS वर्जन मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर, और अवेलेबल फ्री स्पेस जो था वो था 576 GB का। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर था 21D50 जो आप में से सभी के आईफोन में होगा अगर वो स्टेबल वर्जन पे होंगे तो। और इस अपडेट में व्हाट्स न्यू के अंदर काफी कुछ लिखा है, लेकिन ये सब iOS 17.3 का है। 17.3.1 जो है उसका छोटा एक इंक्रीमेंटल अपडेट है, क्यों आया है वो समझेगा आपको अभी। और अपडेट करने से पहले जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.40.01। iOS 17.3.1 इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन चेंज हो गया, ऑब्वियसली बात है। 576 GB ही है अवेलेबल फ्री स्पेस, और यहाँ पे कुछ MB से जो है बढ़ भी गई है, तो ये अच्छी बात है। अभी अपडेट के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस घट नहीं रही है, तो ये काफी सही चीज है। उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी फिकर होती थी, लेकिन इस अपडेट में वो फिकर करने की बात आपको नहीं है। 21D61 इसका बिल्ड नंबर है, नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा, और इस अपडेट में कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने नहीं मिलेगा। अब इस अपडेट में क्या कुछ नया है वो देख लेते हैं। तो इस अपडेट में कीबोर्ड से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड इशू था कि जहां पे आप टाइप करते रहोगे तो टेक्स्ट जो है ओवरलैप हो रहा था। मुझे मेरे आईफोन के अंदर 17.3.1 पे या फिर बेटा वर्जन पे भी ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिला है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और अभी भी नॉर्मल चल रहा है। इन कुछ आईफोन्स में ये बग था जिसको सॉल्व करने के लिए एप्पल ने ये अपडेट पुश किया है। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर बग फिक्स है जो इस अपडेट में आया, तो व्हाट्स न्यू के अंदर ये बग फिक्स ही आया है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो एप्पल ने पुश किया है इस अपडेट के जरिए से वो है कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस। तो एप्पल का ये सिक्योरिटी वेबसाइट है जहाँ पे सिक्योरिटी रिलीजेस एप्पल अपने शो करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर iOS 17.3.1 और iPadOS 17.3.1 दोनों ही यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज या सिक्योरिटी अपडेट्स एप्पल पुश करता है वो क्लियरली नहीं बताता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो बता देगा तो फिर जो हैकर्स होंगे वो उसको भी ओवरकम कर लेंगे और फिर से आपके आईफोन को ट्रबल दे सकते हैं वो लोग। तो इस अपडेट में कुछ नया तो है नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया और कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस वगैरह यहाँ पे पूछ के, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे इस अपडेट को नहीं मानता। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस की। देखिए यहाँ पे बैटरी का परफॉर्मेंस जिस दिन अपडेट आता है उस दिन मैं बता तो सकता नहीं आपको, बाकी बैटरी रहते हैं चार्जिंग में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है, क्योंकि अच्छे से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, फोन हीट नहीं होता। अभी जो iOS अपडेट जितने भी लेटेस्ट आते हैं स्टेबल वाले, तो आप भी स्टेबल पे रहिए, आपका फोन भी हीट नहीं होगा। वैसे बेटा वर्जन भी अभी के हीट होते नहीं है। चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन 80% पे लिमिट लगा के रखो, बैटरी हेल्थ अच्छे से आपकी मेंटेन रहेगी, ड्रॉप नहीं होगी, और इन अपडेट्स की वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होती। अभी मेरा प्राइमरी फोन है तो इस पे डेफिनेटली मैं 3 से 4 दिन में आपको जो इस अपडेट से रिलेटेड बैटरी लाइफ वगैरह है वो बताने वाला हूं, लेकिन मैंने आप लोग के लिए बैटरी ड्रेन जो है ओवरनाइट वाला वो निकाल लिया, क्योंकि मैं बीमार था रात में तो वीडियो बनाने वाला नहीं था, सोचा चलो ये तो चीज रिकॉर्ड कर लो एटलीस्ट। तो रात में जब मैंने इसको 77% पे चार्ज किया था, जो लास्ट चार्ज 77% था वो था तकरीबन रात के 1 बजे का, वो छोड़ दीजिए उससे कुछ लेना देना नहीं आपको। फ्राइडे यानी कि आज का ही दिन, आज की रात के 12 बजे जो है फ्राइडे शुरू हो जाता है, आज का दिन पूरा फ्राइडे का होता है, इस टाइम पे बैटरी जो परसेंटेज था वो 73% था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने वाईफाई और मोबाइल डेटा जो है ऑफ किया, वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है, ऑफ सेटिंग से करना पड़ता है, और मैंने इसको साइड टेबल पे रखा अपने और मैं सो गया। उसके बाद जब मैं सुबह उठा उसके बाद भी कुछ टाइम मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, और तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है मैंने इसको ऑन करके देखा। क्यों इस्तेमाल नहीं किया सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पहले ही उठा लेता फोन को देख लेता तो 3-4 घंटे में आपको यहाँ पे बैटरी ड्रेन का पता नहीं चलता, तो मैंने इसलिए इसको कुछ देर और ऐसे रहने दिया। और यहाँ पे देख सकते 2% जो है बैटरी ड्रेन हुई है, आइडल बैटरी ड्रेन रात में सोते वक्त। अब ये चीज चेंज हो जाएगी जब मैं इसको 2 से 3 दिन के बाद जो है चेक करूंगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब अपडेट हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे काफी सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि 73% पे जब फोन था तब मैंने इसको रख दिया, लेकिन जब मैं 100% से इसको रखूंगा तो एक्चुअल 73 नहीं रहेगा। जब मैं इसको यूज करता तब भी वो 73 था, जब मैंने उसको रखा तब भी 73 था, तो हो सकता है वो 72 पे आने वाला ही होगा जब मैंने उसको साइड पे रख दिया था। तो ये इस तरीके का कुछ बैटरी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि बैटरी ड्रेन जो है 1% या 0% ही रहेगा जब हम इसको फाइनली चेक करेंगे तब। अब नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर कोई चेंज आपको देखने मिलने वाला नहीं है, और मिलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर नहीं आया। नया आता तो इंप्रूव हो सकता
सकता था या फिर परफॉर्मेंस खराब हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था नहीं, तो यहाँ पे कोई भी नया मॉडेम फर्मवेयर भी एप्पल ने पुश नहीं किया है, और छोटा अपडेट है जिसके अंदर छोटे से फिक्सेस थे, तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जनरल परफॉर्मेंस एकदम अच्छा है, मैंने बैंकिंग एप्लीकेशन और अपने सोशल मीडिया के जितने जो एप्लीकेशन में यूज करता हूँ वो सारे इस्तेमाल करके देखा, सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है, कैमरा वगैरह सब कुछ जो है इस फोन में इस अपडेट के बाद प्रॉपर्ली चल रहा है। रही बात गीकबेंच के स्कोर्स की, तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीपीयू और जीपीयू का स्कोर मैंने निकाला है बिफोर एंड आफ्टर का, तो पहले वाला स्कोर सीपीयू का था 2937734, अभी का है 2909 और 7258, तो मल्टीकोर में हार्डली 100 पॉइंट से घटा, ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो अपने एवरेज की रेंज थी उसी में चल रहा है। जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, तो पहले था 27387, अभी है 27162, तो ये अगेन ये एवरेज वाला जो अपना 27000 का स्कोर है उसके ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा परफॉर्मेंस था वैसे ही आपको देखने मिलेगा। इसके साथ एप्पल ने आईपैड ओएस 17.3.1 भी अपडेट जो है वो पुश किया है, आईपैड के लिए आप ये अपडेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं सिवाय वो बग फिक्स के। और वॉच ओएस 10.3.1 ये 100 MB के आसपास का अपडेट है, ये भी एप्पल ने पुश किया है, और इसके अंदर भी आपको सिर्फ बग फिक्सेस ही देखने मिलेंगे, बाकी ये सारी चीजें जो है ये 10.3 वाले ही यहाँ पे इंक्लूड किया है नीचे व्हाट्स न्यू सेक्शन में, क्योंकि वही मेजर अपडेट था। iOS 17.3.1 क्या अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट ओवरले का प्रॉब्लम था तो आप कर लीजिए, अगर नहीं था तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना अच्छा है, मैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है आपको 2-3 दिन में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। 17.3 के बाद जो अगला मेजर अपडेट आने वाला है वो आने वाला है 17.4, इसका बेटा वर्जन अब हम चला रहे हैं हमारे बेटा वर्जन पे चलने वाले आईफोन पे, और वो अपडेट के अंदर एप्पल का साइड लोडिंग वगैरह ये सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, और वो अपडेट आएगा आपको मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी एंड में। तो यही दिखानी दोस्तों iOS 17.3.1 की, नए वॉच ओएस की, नए आईपैड ओएस की। उम्मीद करता दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुड बाय।